ज्यादा कहा जाता है कि छठ बिहार में बसे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में हजारों मुस्लिम परिवार भी अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए विधिवत रूप से छठ की पूजा करते हैं। भोजपुरी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी ने एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर छठ के प्रति मुस्लिम परिवार की आस्था को दर्शाने की कोशिश की है। मुस्लिम परिवार द्वारा सालों से निभाए जा रहे इस परंपरा को गाने के रूप में देकर तैयार वीडियो इन दिनों यूट्यूब पर खूब ही पसंद किया जा रहा है। बेहद कर्णप्रिय म्यूजिक के साथ तैयार किए गए इस वीडियो में कल्पना की आवाज भक्तिमय माहौल तैयार करती है। एक तो सॉन्ग ऑडियो पार्ट एंड देन द वीडियो पार्ट। तो सॉन्ग के बारे में मुझे ये कहना है कि ऐसे तो लाइक छठ गीत के साथ संबंध की जो बात है मेरा वो 15 साल पुराना है। 2002 से मैं बहुत सारे छठ भजन गा चुकी हूँ। बलम जी खासकर एक ऐसा गीत रहा जिसमें ये बात कहा है, जो हमारे माइग्रेंट्स जो बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उन लोगों की जो घर में जो वो गांव में छूट जाता है जो परिवार, और परिवार कैसे अपने प्रियजन को याद करता है छठ के समय, तो उस विषय में बलम जी आया था, वो काफ़ी पॉपुलर रहा तब। और उसके बाद बहुत सारे छठ गाई, लेकिन ये जो पिछला 15 साल की जो यात्रा अब तक है उस पे संगीत को या संगीत की बॉडीज को जॉनर्स को देखने का अलग अलग अनुभव रहा। और ये जो इस साल आया 2017 में, ये वही छठ गीत है, वही परंपरा है, सब कुछ है, लेकिन संगीत को परोसने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको भोजपुरी या ढोलक तबला का साउंड कहीं नहीं मिलेगा इस गीत में। हम तो जो संगीत को प्रोग्राम को समर्पित करने का मतलब यह है कि नई पीढ़ी जो है, मेरी बात की या मेरी पीढ़ी जो है, विंध्यवासिनी देवी जी को नहीं जानते। बिहार के होते हुए भी अपने बिहार को, बिहार के लोग बहुत अच्छा से अभी भी नहीं जानते हैं। सो ये गीत उनको समर्पित है। उगा है सूरज देव जो गीत है उनका भी गाया हुआ है, और उसी गीत को नए तरीके से एक परोसने की कोशिश। और इसके बाद मैं आना चाहूँगी वीडियो पे जो विजुअल्स है, उसके लिए मैं चाहूँगी, हमारे पास ही है, बीच में ही है अमिताभ वर्मा जी, आप और आपकी पत्नी जो श्रुति वर्मा जी है, और बहुत ही दोनों ही प्रख्यात निर्देशक, राइटर, सिंगर, आप लोग क्या क्या नहीं है, खुद आप बोलेंगे। श्रुति जी के बारे में मैं बोलूँगी, वो मेरी सहेली भी है। सो अचानक उन्होंने मुझे जब कहा कि जानती हो कल्पना, बिहार में हमारे हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी छठ मनाते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा दंग रह गई, क्योंकि असम में ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा बचपन से, और मुझे लगा कि ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब कहा कि क्यों ऐसा कुछ किया जाए कि आप लोग भी उसको, थॉट इन लोगों का ही है, तो क्यों इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान है, आज जो परिवेश है, जो हिंदू मुस्लिम की बात को जिस तरह से पॉलिटिसाइज करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें ये जो एक सच है, ये सच का आना बहुत जरूरी है आई थिंक। सो कुल मिला के यही बात रहा। सॉन्ग को तो मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग हमतू ने किया है, और मेरी इनपुट कॉन्सेप्ट जो है मेरा रहा कि कैसे सहनाई को मैं लाना जरूरी, ये सब बातें मेरी रही, बाकी प्रोग्रामिंग हमतू ने किया है। और लिखा तो एक पारंपरिक गीत है, सिर्फ दो तीन लाइन बीच में आर पंकज जी एक है जो हमारे भोजपुरी राइटर है, वो भी फेमस राइटर है, उन्होंने मदद की, बाई फोन ही उन्होंने कुछ लाइन्स मुझे दिए। और जहाँ तक वीडियो की बात है, करीब 20 साल पहले मेरे भाई हैं जो, वो भी एक फिल्म मेकर है, उन्होंने छठ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दूरदर्शन के लिए, तो उस समय मुझे पहली बार पता चला था कि बिहार में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी उतनी ही श्रद्धा से छठ को मनाते हैं। लेकिन जैसा कल्पना बोल रही थी कि अभी के माहौल में इस चीज को बोलना और भी जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम और मतलब कम्युनल बहुत ज्यादा हेट्रेड फैलाया जा रहा है बहुत लोगों की तरफ से, लेकिन हम लोग जिस जमाने में पैदा हुए थे उस समय ऐसा कुछ था नहीं। मतलब होली, दिवाली, ईद हम लोग के लिए एक ही थी, मतलब ईद में मुस्लिम दोस्तों के यहाँ से बिरयानी आ रही है, दिवाली में वो आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो वो एक आम सी बात थी। तो ये बात कल्पना के लिए एक नई चीज थी कि अच्छा मुसलमान भी छठ मनाते हैं, लेकिन मेरे लिए मतलब आई न्यू इट बहुत साल से पता था। बिहार के बारे में हिस्ट्री हूँ, आई थिंक जब शादी के एक दो साल बाद एक सवाल आता है, हर स्त्री फेस करती है कि मतलब बच्चा कब आएगा, आप घर में बच्चा कब आएगा, माँ बनना, ये बात, और वो दो तीन साल होने के बाद अगर वो नहीं बन पाती है, उसको
उस जो पीड़ा है, माँ नहीं बनने की जो पीड़ा है, उसके सामने आई थिंक कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई हरिजन वो नहीं आता है. वो उसको जो एक बांझ नाम दिया जाता है और वो एक ऐसा गाली है और उस गाली को वो सहन नहीं कर पाती है और फिर शायद वो अलग अलग दरवाजे पे, आस्था के अलग अलग दरवाजे के सामने वो झुकती है और उसी कोशिश के सामने भी उस कोशिश में भी शायद छठ मैया की भी एक दरवाजा है और छठ मैया उसको मनाते भी है, मतलब उनकी जो मनोती है वो पूरा करते हुए हैं. सो बहुत सारी जो हमारी महिला है, मैं वो भी बोलना चाहती हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं है कि विज्ञान और डॉक्टरी इलाज जहाँ खत्म होता है वहाँ से एक्चुअली अध्यात्म शुरू होती है. तो ये मेरा पर्सनल बात है, अनुभव रहा है और मुझे लगा कि मुसलमान महिला का आने का मकसद कहीं ना कहीं ये भी एक मातृ नहीं बन पाने की जो बात है वो भी आता है. तो कल एकदम मैं कल पटना ही जा रही हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, धनबाद, बहुत जगह से मुझे अब तक फ़ोन आ चुका है. ऑलरेडी ये वीडियो का पॉजिटिव रिस्पांस है बहुत और बहुत लोगों ने फ़ोन किया. सब लोगों ने बोला हाँ दीदी हमारे पड़ोस में ही होता है ऐसा. तो मेरी ये कोशिश रहेगी पटना में जाके कि मैं कैसे एक ऐसा घर ढूंढ पाऊँ पटना में जहाँ मुसलमान महिला छठ कर रही है और मैं उनके घर जाना चाहती हूँ और उनसे बातचीत करना चाहती हूँ. तो मनाने की बात मतलब वीडियो से रिलेटेड ही रहेगा लेकिन मैं पटना में हूँ और घाट में जाऊँगी और वहाँ से सबसे बात करने की कोशिश करूँगी. कैसे देख सकते हैं? ये म्यूजिक बॉक्स का प्लेटफॉर्म है जो कल्पना और परवेज का है, आप वहाँ देख सकते हैं. वैसे ये इस बुरी तरह से फैल गया है थैंकफुली कि आप इसको अगर आप बस YouTube पे जाके सिर्फ कल्पना पटवारी छठ करेंगे तो वो भी आप देख सकेंगे, बहुत आसान है देखना. और कल से जब से वीडियो अपलोड किया गया है मतलब हजारों मैसेजेस और कॉल्स आ चुके हैं, बिहार से ही नहीं बाहर से, इंडिया के बाहर से भी, जहाँ हमारे दोस्त और रिश्तेदार हैं, जो हम लोग के फेसबुक फ्रेंड है या जो भी हैं, तो सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और जिसको भी जब मिल रहा है सब उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो इसलिए देखते देखते अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ये दो दिन के अंदर जो जितना फैल गया है वीडियो, ये बहुत खुशी की बात है कि सबको पसंद आ रहा है. और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों से किसी भी हेल्प चाहिए, हेल्प इन द सेंस कि आपके जरिए ही मैं लोगों तक पहुंच. दो लोगों ने मुझे पर्सनली किया कि मैडम आपको आपने परिधान जो है आपकी जो वेशभूषा है वो क्या है, वो हमारी पारंपरिक छठ की नहीं है. तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, वो परिधान करने का भी एक मकसद है मेरा, उससे भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ मैं बिहारी नहीं हूँ, मैं बिहार से बिलोंग नहीं करती और मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ. और वो जो मैं पहनी वो भी साड़ी है, उसको दोखना कहते हैं. दोखना मतलब हमारे आसाम अलग अलग जनगोष्ठियों की समूह है, उसी में एक प्रमुख है बोडो कम्युनिटी. तो उनका वो पारंपरिक पोशाक है दोखना और सर पे जो मैं बांधी हूँ वो मिसिंग कम्युनिटी है आसाम में, उनका वो एक गमछा ही समझिए. और ये पहन के नाक में सिंदूर लेके माइक के सामने गाने का मकसद यही मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कि जो मेरा परंपरा है, जो मेरी कल्चर है, सिर्फ वही अच्छा है और सामने वाले की वो मैं इज्जत से नहीं देख पाती हूँ. वो जो एक आज मानसिकता हो गई है उससे उभर के आना है. हाँ मैं असमिया हूँ और असमिया होके मैं वेशभूषा में असमिया, नाक में सिंदूर ली हूँ, तो दोनों सबकी एक जो क्या बोलूंगी उसको, विविधता में एकता जो बात कही जाती है, उसको मैं उस वेशभूषा से बोलना चाहती थी और मैंने इसलिए जानबूझ के वो पोशाक पहना. बहुत लोगों ने ये सवाल किया था वीडियो. मुझे किरवाजे भरे लाघावद से ओहो पर सुगा मेड़ राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मूर जाए उजे सुगनी जे रोएले बियोग से आदित होई ना सहाय उगाहे सूरज देवा भैले भीनु सरावा अर्घ के रे बेरावा पूजन के रे बेरावा हो.
भारती पुकारे देवा दोनों का राजरवा अरघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा।